सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और जय हिंद। चलिए आप लोगों को सनी मैथमेटिक्स चैनल पर स्वागत है। चलिए हम लोग आज डायरेक्शन पढ़ रहे हैं और उसका दो पार्ट हो चुका है, दो या तीन पार्ट हो चुका है, अगला पार्ट थर्ड पार्ट शायद है। तो हम लोग सीखेंगे और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की ओर, और एक समय ऐसा आएगा कि मंजिल भी पूरा हो जाएगा, लक्ष्य भी मिल जाएंगे, चिंता नहीं करना है। तो सबसे पहले कि वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, नया कुछ देखने का जरूर कुछ मिलेगा। कितनों पढ़ लिए हैं, कहूँ भी पढ़ लिए हैं, फिर भी नया नया कुछ न कुछ नया कुछ न कुछ न्यू आपको पक्का देखने को मिलेगा। वीडियो स्किप नहीं करना है, इसलिए प्लीज़ पूरा देखना। जो विद्यार्थी फ्रेशर है, नया कंपनी तैयारी कर रहे हैं या मुझसे नया जुड़े हैं, तो मेरा वीडियो मिनिमम 4 से 5 बार पक्का देखिएगा, तो उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। फिर एक बार भी सीख जाएंगे तो और अच्छी बात है, फिर आगे देखेंगे किताब टका टक आंसर तो चल जाएगा। डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको सिखा रहे हैं। वो कब बताएंगे, जब पूरा किताब ख़त्म हो जाएगा तो सेट बनाने के लिए प्रैक्टिस कराएंगे, तो वहाँ पर बताऊँगा कि देखिए इस तरह से आसानी से क्वेश्चन को भी हल किया जा सकता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सीखेंगे। देखिए कितना टफ क्वेश्चन है, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, 26 नंबर। देखिए कितना सिंपल आसानी से कर देंगे, तो सीखेंगे। इसको थोड़ा रेड कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रेड ज़्यादा दिखता अच्छा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको VVI कर दीजिएगा, बहुत बार पूछ चुका है, लेकिन विद्यार्थी बहुत डरता है इसको बनाने से, लेकिन सीखेंगे कितना आसान इसको हम कर चुके हैं। करा संजू सीखेंगे। संजू के स्कूल के बस जब उसके स्कूल पहुँचती है, तो उसका मुँह उत्तर की ओर था, कोई बात नहीं है, स्कूल के मुँह उत्तर की ओर था। सीखेंगे जब यहाँ स्कूल ही पहुँचा ना, तो इसका मुँह कहाँ था, उत्तर की ओर था, यानी यहाँ पर स्कूल था उत्तर की ओर, ठीक है, यानी चला होगा किधर से, दक्षिण से बस ऐसे चला होगा उत्तर दिशा में। संजू घर से, देखिए संजू जो है घर से चलने के बाद 2 बार दाएं मुड़ती है। सीखेंगे, अब सिखा रहे हैं बहादुर। दो बार दाएं यानी बोल सकते हैं दाएं प्लस दाएं बोल सकते हैं। देखिए लिखा हो, दो बार दाएं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार बाएं ओर। एक बार बाएं मुड़ती है, तो बाएं दाएं कट जाएगा, यानी इसको एक दाएं चलाएंगे। घर तथा स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार बाएं ओर मुड़ती है, तो बताएं कि संजू के घर के स्कूल के सामने जब बस रुकी थी, तो बस का मुंह किस दिशा की ओर था। तो कोई बात नहीं है, यहीं पर ना घरवा यहीं पर हो गया, उसका घर तो यहीं पर होगा, तो ये तो घरवा का मुँहमा है, इधर बसवा निकली, बसवा इसे जाया गया होगा, यानी कौन दिशा के मुँहमा बसवा का होगा, पश्चिम दिशा की ओर, तो पश्चिम है इसमें, नहीं है तो इनमें कोई नहीं आंसर, ये हो जाएगा इनमें कोई सी पश्चिम इसका आंसर आएगा, समझ गए बात को। ऐसे गया तो इसका घर मिल गया, ये पूरा है, लेकिन संजू के घर के सामने जब बस रुकी तो उसका मुंह किधर की ओर था, तो कोई बात नहीं है, ये तो घरवा यहाँ पर मिल गया, हमको घर मिल गया ना, तो यहाँ से स्कूल चढ़ बस यहीं से चढ़ी होगी ना, तो मुँहमा इधर की ओर होगा, यानी किधर उलट देंगे, क्या हो गया, पश्चिम की ओर, इनमें कोई नहीं। इसको ध्यान से देखना, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना, बिल्कुल समझ गए होंगे, कुछ नहीं किए, ऊपर में क्वेश्चन दिया होता कि स्कूल पहुंचता है तो उसका मुंह उत्तर की ओर था, उत्तर की ओर कर दिए, और दो बाएं या दो दाएं के, तो एक बाएं दाएं काट दिए, एक बाएं हो गया, तो एक बाएं क्या, इसका घर यहाँ मिल गया, यहाँ क्या हो गया, घरवे के पास पहुंची ना, तो ये तो घरवा का मुँहमा हो गया, इधर से निकली होगी घर स्कूल जाने के लिए, तो बसवा का मुँहमा इधर ही ना होगा, यानी पूर्व दिशा में घरवा होता, पश्चिम दिशा में बस का मुँह होगा, यानी इसमें कोई नहीं, यानी पश्चिम इसका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, उस बस का मुँह जो होगा पश्चिम की ओर होगा, क्यों, क्योंकि पूर्व में तो घर में है, इधर घर का मुँह, इधर घर का दरवाजा है, इधर घर का दरवाजा का मुँह है, तो ऐसे निकली होगी, यहाँ पर बस ऐसे लगल होगा, बस है जो ऐसे लगल होगा, यहाँ पर पहिया वाला पीछे से चढ़ गए होंगे, मुँह इधर बस का होगा, इधर निकल गए होंगे, ये समझ गए। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए कह रहा दक्षिण की ओर मुँह करके रमन चलना प्रारंभ करता, कोई बात नहीं, रमन कहाँ की चल गया, दक्षिण जाता और 30 मिनट जाना जाता है, दक्षिण नीचे बहादुर, तो दक्षिण चला दिया 30 मीटर, कितना चला दिया 30 मीटर है, चला दीजिए, जाने के बाद वह बाएं मुड़ता है, यहाँ पर आ गया 30 मीटर, ऐसे जाएगा तो घड़ी की दिशा में, तो दहिना हो जाएगी, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, तो कोई बात नहीं 25 मीटर चला दीजिए, बाएं गया 25 मीटर, देखिए कह रहा है
कि 25 मिनट बाएं चलता और बाई और फिर मुड़ता 30 मिनट चलता है बाई और घड़ी के विपरीत दिशा में, फिर गया 30 मीटर, फिर गया कितना 30 मीटर गया। तो बताएं कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर अपचित दिशा में, प्रारंभिक स्थान यही ना है, से के मतलब छोड़ के होता है, से के मतलब छोड़ के, तो ये कहाँ पर है, यहाँ पे इधर है जो पूरब हो गया, कितना मीटर 25 मीटर, ऐसे करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, ये वाला डोटवा 25 आ जाएगा, तो 25 मीटर कहाँ आ जाएगा, पूरब आ जाएगा, ये समझ गए आप लोग, जैसे कह रहा वैसे आगे बढ़ते रहेंगे आंसर होते चल जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। अगला नंबर देखिए, कह रहा राजेश उत्तर की ओर जाता है, उत्तर कहाँ है, ऊपर है, ऊपर जाता है 10 मीटर, उत्तर चला दिया 10 मीटर, क्या हो गया 10 मीटर चला देंगे बहादुर, 10 मीटर उत्तर चला गया राजेश, 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, कोई बात नहीं, वहां से फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है 6 मीटर, इधर आ जाता है, उलट देता है, तो 6 मीटर इधर चल दिया, यहाँ 6 चल दिया, पूरा 10, इधर 4 ना बच गया पूरा 6 है, तो 6 उलट के चल गया, 6 मिनट चलेंगे इधर शेष कितना बच गया 4, यानी यहाँ पर रमेश आ गया, रमेश यहाँ पर आया हुआ, यहाँ पर आया हुआ, और 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, 3 मिनट चला दिया पूरब ना, 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलाता ऐसे चलेगा, यहाँ पर पहुंच गया रमेश जो। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है ना, दोनों निकालना है, तो कोई बात नहीं बहादुर, ये वाला निकालने का आता है, यहाँ से ये दूरियां निकालने का आता है, तो दिशा तो हमको मालूम है, ऊपर में क्या हो गया उत्तर में हो गया उत्तर, इधर क्या हो गया पूरब, उत्तर पूर्व है किसी में, उत्तर पूर्व इसी में ना है, यही आंसर हो जाएगा, अगर ये वाला नहीं दिया हो रहा था डायरेक्ट आंसर मार देते, सॉरी ऑप्शन अगर इसमें कोई नहीं रहता तो हमको ये आंसर हो जाता, बना भी नहीं जाते, किलोमीटर निकालना नहीं पड़ता, लेकिन दिशा है तो भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लंबन हो गया, यहाँ पे एक कर्ण हो जाएगा, तीन सॉरी कितना चला था जी, सॉरी गलती कर दिया, गलती था आई, 3 चला था यहाँ, 3 ना चला था, पूरा 3 किलो चलता है, ए वाला भाट, ए वाला पार्ट निकालना है भाट, ए वाला तो पढ़े थे, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर आधार स्क्वायर बताया हुआ है, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 3, पाइथागोरस में है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 हो जाएगा 16, 25 ना हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा 5, इधर कौन सा जगह है ये 5 ही प्राप्त हो गया, यहाँ भरा 5 वैल्यू प्राप्त हो गया, और ऊपर कौन सा है उत्तर, इधर पूरब, तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते सीखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, मैंने बोला था कि ऐसा क्वेश्चन को नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ ऊपर पढ़ते हैं और क्या पूछ रहा है उसको पढ़ते हैं ना, बोले थे पढ़ने के लिए, तो कोई बात नहीं, नहीं पता लगता डायग्राम ऐसे बना दीजिए, पूरा नहीं शॉर्ट में बना देंगे, शॉर्ट में बना दीजिए, वही आंसर हो जाएगा आपका। क्या कह रहा है, यदि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए, दक्षिण पूर्व ही ना है, दक्षिण पूर्व का ये है, दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए, ये ना बोल रहा है, अब आगे बीच में नहीं पढ़ना है, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर ही ना, कौन है उत्तर, उत्तर ही ना है, एक घर कैसे पड़ा घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में बोलते नहीं है, घड़ी के विपरीत उत्तर ना है, तो घड़ी के इसे बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ना बढ़ जाएंगे घड़ी के विपरीत दिशा में बोलते नहीं है, सॉरी घड़ी की दिशा हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा, ये तो यू घड़ी की दिशा, घड़ी के विपरीत जा रहा है, ये भी घड़ी के विपरीत जाएगा, इधर ना आ जाएगा, ये वाला कौन कौन सा है, इधर इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया पश्चिम, उत्तर पश्चिम है किसी में, तो पहले तो आंसर हो गया, बात समझ गए, कुछ नहीं करना था, ऐसा क्वेश्चन को सिर्फ ऊपर पढ़ा जाता है कि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाता है, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, बीच में नहीं पढ़ना है, बहुत लंबा देगा, इतना ही डाला है ना, और उल्टा सीधा बात में घुला घुला देगा, तब दिक्कत होगा हमको, ऐसा क्वेश्चन को परीक्षा में कभी भी देखेंगे, ऊपर पढ़ेंगे और नीचे पढ़ेंगे और टक से आंसर मार देंगे, टक समझते हैं, टक जब मैं फौज में था ना तो मैं सीखा था, एक मास्टर था हमारा उस्ताद जो था, उसको टके हम लोग नामे धर दिए थे, जब भी ट्रेनिंग में रगड़ाता था हम लोग को, फ्रंट रूल मार रहा है, बैक रूल मरा रहा है, कुछ भी मरवा रहा है, तो बोलता था तुम लोग इतना रगड़ूंगा ना, इतना टक कर दूंगा कि धरती पीट पीट के रोवेगा, वही टक है जो समझ में आ गया कि टक के मतलब होता है बहुत स्ट्रांग बना देना, तो टक के मतलब समझ जाएगा, टक से मार देंगे बहुत आप स्ट्रांग हो जाएगा, टक से क्वेश्चन को मार देंगे यानी आपको, चलिए कोई बात नहीं, देखिए सीखेंगे सीखेंगे। रमा विश्वविद्यालय जाना चाहती है, कहाँ जाना चाहती है, विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए जा रही है बेचारी, कोई बात नहीं है पूरब दिशा में निकलती है, पूरब दिशा में निकलती है, पूरब दिशा में से निकलेगी, अपने घर से निकल रही है ना, यहाँ पर उसका घर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर घर हो गया, यहाँ पर घर में निकलती है, कोई बात नहीं है, घर से निकल गए पूरब की ओर, वह पूर्व दिशा में अपने घर से चलना प्रारंभ करते, ठीक है, एक चौराहा पर पहुंच गई,
यहाँ पर चौराहा, यहाँ पर क्या है, चार रास्ता है, एगो इधर भी रास्ता जाता है और एगो इधर जाता है, एगो यहाँ चौराहा हो गया, एगो घरवा की ओर गया, और कहाँ कहाँ जाएगा जो उसमें लिखा होगा, देखिए उसके बाई ओर वाली सड़क है जो सिनेमा जाती है, बाई है इधर से आ रही है, तो बाई मैंने घड़ी के विपरीत दिशा में ऊपर ना, ये सिनेमा चल गया, बाई वाला जो सड़क है सिनेमा चला गया, कोई बात नहीं चला दिया सिनेमा। उसके सामने वाली ओर सड़क हॉस्पिटल जाती है, सामने आ रही थे वो कहाँ गया, ये हॉस्पिटल गया, सॉरी हॉस्पिटल, सामने वाला सड़क कहाँ चल गया, हॉस्पिटल चल गया, हॉस्पिटल 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 जाती है, तो बताएं कि विश्वविद्यालय है ना, विश्वविद्यालय को छूट गया है, यानी यहाँ पर उसका विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी यहाँ पर होगा उसका विश्वविद्यालय, यानी कौन सा सड़क जाएगा, इसका ऑप्शन छूट गया है, क्वेश्चन अलग अलग दे दिया होगा इसका मतलब, कितना नंबर क्वेश्चन है जी, 31 है ना, 31 नंबर क्वेश्चन आपका है, दक्षिण आ रहा ना, तो दक्षिण ठीक दे रहा था, दक्षिण इसका आंसर देख लीजिए किताब में, इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण दिशा की ओर, कौन सा किताब है जो भी बताते थे, कौन सा किताब से पढ़ा रहे हैं, एक किताब देख लो, ये अजय चौहान का वर्बल रीजनिंग है, अजय चौहान का परफेक्ट वर्बल रीजनिंग है, ज़्यादा नहीं कह रहे, 10 क्लास की चीज़ है, लेकिन फिर भी हम सिखा रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन तो पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन और वीडियो के माध्यम से हम अपलोड करके पढ़ा रहे हैं, ये समझ आगे बढ़ते हैं। चलिए बहादुर, देखिए क्वेश्चन को चाहेंगे तो डायरेक्ट हम आंसर मार देंगे, लेकिन आपको सीखना है, फिर क्या करना है, डायरेक्ट आपको नहीं मारना है, फिर बोलिए सर आप गलती पढ़ा देते हैं, लेकिन गलती हम नहीं पढ़ाते हैं, अपना दिमाग से सोचते हैं, डायरेक्ट आंसर मार देते हैं, तो जब आपका माइंड डेवलप करेगा आप भी डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा, लेकिन अभी सीखना है, क्या करना है, सीखना है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, करा मैं अपने घर से, कोई बात नहीं, मैं अपने घर से कहाँ निकला, उत्तर की ओर गया 15 किलोमीटर, उत्तर ऊपर है बहादुर, उत्तर भेजा दिया, उत्तर गया 15 किलोमीटर, चला दिया 15 किलोमीटर गया, ठीक है। इसके बाद में पश्चिम की ओर मुड़ा, पश्चिम की ओर मुड़ा कितना गया, 10 किलोमीटर, पश्चिम कहाँ है, इधर है, पश्चिम की ओर गया और 10 किलोमीटर चला, कितना गया, 10 किलोमीटर गया। इसके बाद मैं दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गया, दक्षिण की ओर कहाँ गया, 5 ना, तो दक्षिण 5 यहाँ पर हो जाएगा, 5 किलोमीटर दक्षिण गया। फिर वह पूरब की ओर मुड़ा, पूरब मुड़ गया ना, 10 किलोमीटर गया, पूरब इधर है यानी इस बिंदु पर आ गया, 10 किलोमीटर गया। तो क्या पूछ रहा है कि मैं अभी घर से किस दिशा में हूँ, तो घर वही ना है, ऊपर उत्तर ना है, तो उत्तर हो जाएगा आंसर आपका। छोटा तो नहीं दिख रहा है ना जी, अगर आपको छोटा दिख गया तो मोबाइल में बड़ा करके दिखा देगा, क्योंकि छोटा हम बना दिए हैं, चलिए इसके लिए सॉरी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है नहीं दिखे। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन इसको डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, लेकिन आपको नहीं मारना है, बोलिए सर आप गलती पढ़ा दिए हैं, क्योंकि जब माइंड डेवलप करेगा ना तो सेट बताएंगे तो हम बता देंगे, देखिए डायरेक्ट इसका आंसर, इस आंसर भी होता है, इसलिए थोड़ा सा मसाला आपको देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप मत करिएगा, बता रहे हैं कि आप रिसर्च दिमाग से करना स्टार्ट कर दीजिएगा तो हो सकता है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। करा एक राकेश एक बिंदु पे खड़ा है 20 मीटर, देखो पूरा पश्चिम लिख देंगे, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो, ये नियम कब लगेगा या हम कब लगाते हैं डायरेक्ट बनाने के लिए, कल बल छल तब दुनिया में चल, भगवान कृष्ण गीता में ही कहे हैं जिसको पास छल नहीं कलयुग में रहे वो चल नहीं सकता है, तो आंसर यहाँ पर खाली आंसर से मतलब है, लेकिन आपको नहीं करना फिर भी सिखा देते हैं, क्योंकि आप सोचेंगे कि हम क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं, तो आप भी माइंड से उसको रिसर्च कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो कह रहा 20 मीटर पूर्व की ओर गया, 20 गया ना, तो हम लिख दिए 20 गया, 20 गया पूर्व गया, फिर 10 किलोमीटर दक्षिण गया, 10 लिख दिया दक्षिण गया, फिर 35 मीटर पश्चिम गया, 35 मीटर पश्चिम गया, पश्चिम सॉरी 35 मीटर पश्चिम पश्चिम दिशा में चलकर 5 मीटर उत्तर गया, 5 मीटर उत्तर गया, फिर वह पूर्व जाता है 15 मीटर, 15 जो कहाँ जाता है पूर्व गया ना जी, पूर्व गया फिर 15 गया, तो 35 से 35 खत्म हो गया, आई से ही खत्म, यहाँ पर 5 गया था, 5 दक्षिण है कहूँ पे, 5 मीटर सीधे आंसर कर देंगे। तो बोलिए कैसे हो गया सर, कैसे हो गया, तो ईसा अभी हमको नहीं देखना है, जब सेट बताएंगे ना, बार बार कहते हैं कि सेट में ले जाएंगे तो ईसा बनावे नहीं देंगे, ऐसे आंसर मरवा देंगे, अभी अप्लाई नहीं करना बहादुर, तो क्वेश्चन तुम्हारा गलती हो जाएगा, किताब का क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलती होगा,
क्योंकि बैंक पीओ का सेट बनाएंगे, क्लर्क का बनाएंगे, एसएससी के बनवाएंगे, रेलवे का बनवाएंगे, तो वहाँ मैं बताऊंगा कि जब चारों दिशा देवल रहेगा तो डायरेक्टर से कैसे आंसर करेंगे, कहाँ पर अप्लाई होगा, कहाँ पर नहीं होगा। इसके पहले भी काटने छाटने वाला बताए थे, तो काटने छाटने वाला को अप्लाई नहीं करना है, मैं मना कर दिया हूँ, चूँकि आप गलत कर देंगे तो गलत कर दिया। बोलिएगा सनी सर गलती पढ़ाता है, लेकिन गलती नहीं पढ़ाते हैं बहादुर, उलट देते हैं डायरेक्टरी, क्वेश्चन को सीधे पलटी मारते हैं, आंसर ले आ देते हैं। वो नहीं, अभी करना है, अभी आपको फ्रेम से ही बनाना है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है, क्योंकि आपको सीखना है। तो चलिए मैं लॉन्ग बता देता हूँ। राकेश एक बिंदु पर खड़ा है और 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है। देखिए पूरब हो गया, इधर हो गया, 20 मीटर गया है, और छोटा ले लेते हैं, नहीं और छोटा ले लेते हैं, 20 मीटर पूरब की ओर गया है, कोई बात नहीं है, 20 मीटर पूरब की ओर गया, कोई बात नहीं है। फिर 10 किलोमीटर दक्षिण जाता है, दक्षिण नीचे ना है, 10 किलोमीटर दक्षिण चला गया, ठीक है, और बड़ा कर देते हैं तो दिक्कत होगा, और 10 जाता है दक्षिण ही नहीं जा रहा है, दक्षिण जा रहा है कितना, 10 किलोमीटर जा रहा है, कोई बात नहीं है। तत्पश्चात यानी उसके बाद क्या करा, 35 मीटर पश्चिम जाता है, पश्चिम इधर हो गया 35, तो 35 मीटर इधर आ गया, 35 मीटर इधर आ गया, यानी इसको ऐसे खंड में बांटेंगे तो इधर 15 हो जाएगा, सॉरी इधर 20 ना हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा, इधर 15 हो गया, इतना तो समझ में आ गया, इतना आप लोग समझ गए हैं ना, इतना समझ गए बहादुर, मुझे पूरा विश्वास है कि इतना समझ गया होगा, कोई बात नहीं सीखेंगे। खरा 35 मीटर गया है कहाँ, पश्चिम, जब फिर 5 मीटर उतर गया, 5 मीटर ऊपर चढ़ा होगा, 5 मीटर कहाँ गया, 5 मीटर उत्तर चढ़ गया, 5 मीटर उत्तर गया, ठीक है, 5 लिखे हैं जी, 5 है, 5 मीटर उत्तर क्यों चलता, फिर 15 मीटर पूरब गया, 15 मीटर पूरब, यानी इसके सामने आ जाएगा, इसके सामने आ गया, इसके सामने नहीं आ जाएगा, ऐसे ना लिखे थे, 15 मीटर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो बताएं कि उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की सीधी दूरी क्या, सीधा दूरी पूछ रहा है, तो ये दूरी ए वाला निकालने का रहा है, ए वाला को निकालने का रहा है, तो पूरा 10 ना है, पूरा 10 है, जिसमें देखो सामने ले जाएंगे 5 कट जाएगा, 5 कट जाएगा तो 5 बच जाएगा, यानी 5 है तो 5 आंसर हो जाएगा, ये बन जाएगा। आगे देखेंगे पी क्यू आर ताश खेल रहा, क्या खेल रहा है, 4 व्यक्ति ताश खेल रहा था, 4 व्यक्ति ताश खिला दीजिए, यहाँ पर गमछी गमछा अपना रख दिया होगा, वैसे ऐसे बैठ गया होगा, ऐसे ना बैठता है आमने सामने तो आमने सामने हम भी बैठा दिए हैं, ताश खेल खेलता है। चलिए बड़ा हम पार देते हैं, फिर शिकायत आ जाएगा कि सर छोटा छोटा पारने लगे, फिर 4 व्यक्ति ताश खेल रहा है, 4 व्यक्ति ताश खेल रहा है, एगो इधर बैठल है, एगो इधर बैठल है, एक इधर बैठल है, एक इधर ताश खेल रहा है, ठीक है। कारा एक चीज छोड़िए, पी और की साझेदार छोड़ दीजिए, एस का मुंह जो है, एस का जो मुख है उत्तर की ओर, तो एस दक्षिण बैठेगा, तना ऊपर मुंह इधर रखे तस्वा खेलेगा इसे। चलिए पी का मुंह पश्चिम की ओर है, पी है जो पश्चिम, यानी पूरा बैठेगा, ऊपर में कह रहा है कि पी या क्यू जुड़दार है, आपस में जुड़दार है, ये दोनों पार्टनरशिप है जी, देखो कौन बच गया, आर ना बच गया, क्योंकि अगर बचे तो छूट जाए उसका होगा, तो आर का मुंह किधर है, तो इधर इधर ना मुंह है, तस्वा ऐसे करके खेलेगा, उल्टा मुंह होगा उसका, दक्षिण है कहूँ पे, सॉरी तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है, किसका मुंह दक्षिण की ओर है, आर के ना है, इधर मुंह करेगा तो ऐसे ना बैठेगा, ऐसे ऐसे मुंह करके बैठेगा तो इसमें आर हो जाएगा। चलिए आगे आ रहे हैं, देखो क्वेश्चन ही कह रहा है कि परांदा है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, परांदा शहर है जी, परांदा शहर ग्रीन लेक पर स्थित है, कोई ग्रीन लेक है, कोई पोर्ट के बगल में बैठा हुआ है, महासागर में स्थित है, कहूं भी कोई कोतला नहीं है। कह रहा शहर अक्रम है जो परांदा के पश्चिम में, कोई शहर सीखेंगे, कोई एक को पकड़ लीजिएगा, उसी से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे या फॉरवर्ड होंगे। सर अक्रम जो है परांदा के पश्चिम में, देखो अक्रम हमारा है, अक्रम जो है परांदा के पश्चिम में, तो यहाँ परांदा हो जाएगा, अभी थोड़ा सा फाइल लिखे हैं, जानबूझ के लिखे हैं, आप भी वैसे ही लिखिएगा। सर थोकाटा जो है अक्रम के पूरब में, देखिए थोकाटा सीखेंगे, थोकाटा जो है अक्रम के पूरब में, अक्रम के पूरब में ना, कौन है, थोकाडा है
अकरम के पूछा था थोकाडा हो जाएगा, थोकाडा न है, थोकाडा है जो अकरम के पूर्व हो गया, लेकिन क्या करा, लेकिन परांदा है जी, लेकिन परांदा का तरीके, परांदा के पश्चिम में भी हो गया, सेट हो गया। अतः शहर ककरन जो है, ककरन जो है नाम वैसे ही दिया, शहर ककरन जो है बोपरी का पूरा में, ककरन जो है ध्यान देंगे, ककरन जो है, ककरन जो है क्या दिया है, ककरन बोपरी का था, बोपरी इधर हो जाएगा ना, बोपरी, बोपरी के पूरा में है, तो पूरा में है ककरन, जो ककरन बोपरी के पूरा में है, पूरा में ककरन जो है, सॉरी कहाँ दिया, ककरन बोकरी के पूरा में, लेकिन थकाडा और अकरम के पश्चिम में है, थोकाडा और अकरम के, थोकाडा और अकरम के पश्चिम में भी है, ठीक है, एक ही जिला में स्थित है। तो कौन सा सबसे पश्चिम है, सबसे पश्चिम कौन है, सबसे पश्चिम भोपरी, आंसर तो भोपरी हो गया, भोपरी है यहाँ पे। लेकिन एग्जाम में पैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे पूर्व में कौन है, सबसे बीच में कौन है, दो दो चार पाँच, सबसे बीच में पूछता अकरम हो जाता, समझ गए, अगर सबसे पूछता पूरब तो परांदा हो जाता, आ रहा समझ में, पूछता पश्चिम से दूसरे नंबर पे कौन है तो थोकाडा, ऐसे करके क्वेश्चन भी देता है, ऐसे करके क्वेश्चन भी देता है, कभी कभी पूछ देता है कि अकरम, अकरम और परांदा आपस में चेंज कर ले, आपस में स्थान अपना चेंज कर लें, क्वेश्चन को जब आगे करेगा हार्ड करेगा ऐसे ही करेगा, सेट करके फिर ऐसे कर लीजिएगा, कहेगा अकरम जो है परांदा से क्या करे, आपस में स्थान चेंज कर ले, तो बताएं कि सबसे पश्चिम में कौन है, तो सबसे पश्चिम में कौन आ जाएगा, फिर अकरम आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को आपको आगे बढ़ाएगा या हार्ड करेगा तो डरेंगे हम नहीं, जैसे कहेगा वैसे हम चलते रह जाएंगे। तो आज तक इतना ही ले तक लेते हैं, मन लगा के पढ़िए, और बहुत जल्द ही मोटिवेशन वीडियो आपको देने वाले हैं जिससे नींद नहीं आए, आपको नींद छीन लेंगे, सिर्फ रात दिन पढ़ेंगे, खाना नहीं खाएंगे, वॉशरूम तक नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा विद्यार्थी पढ़ेगा। तो चलिए, मेरा एक ही थोड़ा सा लोभ है कि खासकर जो विद्यार्थी मुझसे जुड़ा हो उसको रिजल्ट होना चाहिए, बाकी के नहीं हम जानते हैं, मैं जिसको गाइड कर रहा हूँ उसको रिजल्ट हो जाना चाहिए, यही परमात्मा से भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि सभी को तो रिजल्ट होगा नहीं, ये तो पक्का जानते हैं, जो मेहनत करेगा उसी का होगा। तो हम अपने विद्यार्थियों को मन से मेहनत कराते हैं, हवाई निकल सक्सेस कराए देंगे, बहुत जल्द करा देंगे, अभी सिलेबस तो शुरुआत हुआ है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप में पावर अपने आप आता जाएगा, जब आदमी में पावर आता है खुद अपने आप बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है। चलिए विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।